अरे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो पिछले दिन हमने सीखा था कि गूगल के अंदर हम किस तरह से अपना जीमेल आईडी यानी कि अपना गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने वो ठीक ढंग से सीखा भी होगा और घर में फोन के ऊपर वो अकाउंट बनाने की कोशिश भी की होगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इंटरनेट की डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी एडवांटेजेस हमने पढ़ ली थी, है ना। ये जो एडवांटेजेस थी वो हमारी उसके पिछले दिन हो गई थी, ठीक है, लास्ट डे हो गई थी। तो अब हम करने जा रहे हैं इंटरनेट की डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। थेफ्ट मतलब चोरी होना, पर्सनल मतलब अपनी निजी जानकारी का चोरी होना। इफ वी यूज द इंटरनेट विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, टू पे बिल्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सोशल नेटवर्किंग और अदर सर्विसेज, देन देयर मे बी थेफ्ट इंफॉर्मेशन बाई हैकर्स। ठीक है, इसका मतलब है इफ वी यूज द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं विदाउट एंटीवायरस, बिना किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के, फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हम अपने पैसे एक दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है, टू पे बिल्स, अपने बिल्स दे सकते हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का बिल हो, या ऑनलाइन कोई चीज खरीदनी हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हो गई, जैसे एक दूसरे को पैसे भेजते हैं, ठीक है, एटीएम से भेजते हैं, फोन से भेजते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए, या सोशल नेटवर्किंग पे जो भी हम एक दूसरे को चीजें भेजते रहते हैं। ठीक है, और अदर सर्विसेज, और कुछ और भी सर्विसेज हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम इन सारी चीजों को बिना किसी एंटीवायरस के इंटरनेट के ऊपर करते हैं तो हैकर्स जो है हमारी जानकारी को चुरा सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसकी डिसएडवांटेज है वायरस थ्रेट, वायरस का खतरा। ठीक है, मोस्टली वायरस कम फ्रॉम द इंटरनेट, ज्यादातर जो वायरस आता है वो इंटरनेट से ही आता है। इफ वी डज नॉट यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यदि हम कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन जितना आपने एग्जाम में लिखना है तो उसके हिसाब से ही काफी है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं, अगर नेट पे आप या खुद अपनी तरफ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब है हमारे वेब ब्राउजर की टाइप्स, कि कितनी तरह के हमारे वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, लेकिन उनमें से तीन चार वेब ब्राउजर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेब ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा और फोन में देखा भी होगा, इस तरह की जो पिक्चर बनी हुई है ना, ऐसे दिखाई देता है। सबके लिए बना हुआ है, फोन के लिए बना हुआ है, विंडोज फोन के लिए बना हुआ है, एंड्रॉयड फोन के लिए है, लैपटॉप के लिए है ना, डेस्कटॉप के लिए, इस तरह का आइकन आता है उसका बन के। तो गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर प्रोग्राम, गूगल एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, दैट इज डिवेल्प्ड बाय गूगल, जिसको गूगल ने बनाया है। गूगल क्रोम वॉज रिलीज इन 2008, गूगल क्रोम रिलीज हुआ था 2008। ठीक है, क्रोम दिस कंपनी इज लोकेटेड इन माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए। अब गूगल की जो कंपनी है वो कहाँ पे है, माउंटेन व्यू जगह है कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएसए में, ये वहाँ पे स्थित है गूगल कंपनी। ठीक है, जो गूगल है ना कंपनी, उसी ने इसको बनाया है गूगल क्रोम को, उनका अपना वेब ब्राउजर है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर दैट प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस। अब इसमें देखो क्या फीचर है, इसमें ये एक एडवांस फीचर है कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करती है, अलर्ट दे देती है कि अगर जब हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, तो एक अलर्ट मैसेज दे देता है कि दिस फाइल इज हार्मफुल टू योर कंप्यूटर, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये फीचर इसके अंदर है गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। फास्ट वेब ब्राउजर, फास्ट मतलब तेज वेब ब्राउजर है, क्रोम इज ए फास्ट वेब ब्राउजर दैट लोड वेब पेजेस वेरी क्विकली। क्रोम एक फास्ट वेब ब्राउजर है जो वेब पेजेस को लोड करता है एकदम से, क्विकली, फास्ट है ना, तेजी से लोड करता है। इजी टू यूज, इस्तेमाल करने में आसान। गूगल क्रोम इज ए सिंपल वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम एक साधारण सा वेब ब्राउजर है, दैट इज वेरी इजी टू यूज, जो इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक।
क्रोम कैन ऑटोमेटिक ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब क्रोम जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का भी काम करता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, प्लग इन एप्स, इसके अलावा गूगल के अंदर प्लग इन एप्स की भी एक फैसिलिटी है। ठीक है, वी कैन वेरियस प्लग इन एप्स इन गूगल क्रोम, हम गूगल क्रोम के अंदर बहुत सारी एप्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं, फेसबुक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्सटेंशन हैं, छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम गूगल क्रोम के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये है हमारा गूगल क्रोम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम इन ऐप्स को कैसे, अब हम इन ऐप्स को देखेंगे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे ऐप्स, यहाँ पे वेब स्टोर की ऑप्शन आती है। वेब स्टोर के अंदर जाके हम अपने गूगल क्रोम के अंदर ही, जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप ऐड करना है, जैसे एंड्रॉइड फोन में डालते हैं ना, जैसे मान लो व्हाट्सएप डालना है, तो इस तरह से यहाँ पे ऐप्स आ जाएगी यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए। ये देखो ग्रीन मल्टीमीडिया मैसेंजर व्हाट्सएप, इसके लिए यूज़ करते हैं हम। नोटिफायर फॉर व्हाट्सएप बैब, इसको भी ऐड कर सकते हैं सीधा, इसको भी ऐड कर देते हैं। चलो इसको याद पे ऐड कर देते हैं, ऐड टू क्रोम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऐड एक्सटेंशन, इसके अंदर हम एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है ये ऊपर। ठीक है, ये देखो ये आ गया यहाँ पे ऊपर, ये जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हम इसके अंदर भी डायरेक्ट व्हाट्सएप को चला सकते हैं। देखो फेसबुक भी चला सकते हैं, स्काइप चला सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स इसके अंदर हम डायरेक्ट चला सकते हैं, ये फैसिलिटी है इसके अंदर गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, तो ये था इसका, हम इसमें एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड, वी कैन फिर इस प्लग इन एप्स इन गूगल क्रोम, यहाँ पे हमने लिख लेना है एड्स। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, We can add various plugin apps in Google Chrome. ठीक है, We can add various plugin apps in Google Chrome. उसके बाद आती है इसकी disadvantages क्या क्या है, इसमें देखो इसमें कमियां क्या क्या है। Lot of memory, Google uses a lot of memory in RAM. जब हम इसको रन करते हैं तो RAM के अंदर बहुत सारी मेमोरी भर लेता है, इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। No warning. If we accidentally close Google Chrome, अगर हम Google Chrome को दुर्घटनावश मतलब ऐसे ही अचानक बंद कर दें, then it will close all the opened tabs without showing any warning. ठीक है, अगर हम इसके को accidentally बंद कर देते हैं तो इसके जो tabs open हुए होते हैं ना, तो वो एकदम से सारे बंद हो जाते हैं, वो भी बिना किसी warning को show किए हुए, बिना किसी चेतावनी को दिखाए हुए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे Google Chrome open किया हुआ है, ठीक है, ये गूगल क्रोम है, इसके अंदर देखो एक टैब ये बना दिया, न्यू टैब, एक टैब ये बना दिया, इनके अंदर बहुत सारे और भी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं, उसके लिए होते हैं ये टैब्स, बहुत सारे वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि अगर हम इसको एक्सीडेंटली ऐसे ही बंद कर दें तो ये बिना एरर शो की वो एकदम से बंद हो जाता है, जैसे अभी बंद हुआ है ना, कोई इसने वार्निंग नहीं दी कि आप बंद करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एक और डिसएडवांटेज है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ब्राउज़र की ओर। हमारा नेक्स्ट ब्राउज़र है मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स इज ए स्मॉल फास्ट एंड सिक्योर वेब ब्राउज़र प्रोग्राम। मोज़िला फायरफॉक्स एक छोटा सा फास्ट है और सिक्योर है, सेफ है वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है। मोज़िला फायरफॉक्स कंपनी इज लोकेटेड एट माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए। अब ये जो मोज़िला फायरफॉक्स की कंपनी है ये भी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में लोकेटेड है यूएसए में, जहाँ पे क्रोम है। ठीक है, वहाँ की कंपनी है ये, वहाँ पे ये वहाँ उसी में यूएसए में कैलिफोर्निया में ये माउंटेन व्यू में। चलिए अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की, कि इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी को बोलते हैं हम अनुकूलता, अनुकूल है ये चलाने के लिए। ठीक है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस वेब ब्राउजर इज दैट इट डज नॉट ओपन प्रॉपरली मैनी वेबसाइट्स। अब सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है इस वेब ब्राउजर की, कि ये बहुत कि ये जब कि डज नॉट ओपन प्रॉपरली, कि बहुत सारी वेबसाइट्स को प्रॉपरली ओपन नहीं कर पाता है, कंपैटिबल नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है। ठीक है, मिस कर देता है पेजेस को। उसके बाद आता है लॉट ऑफ मेमोरी।
इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी टू रन, बोल रहे हैं कि ये रन होने में बहुत सारी मेमोरी जो है यूज करता है रैम के अपना, ठीक है। ये भी इसके डिसएडवांटेज है क्रोम की तरह। इंटरप्टेड सर्विस, इफ एनी डाउनलोड फेल्ड देन इट डज नॉट रिज्यूम इट, बोल रहे हैं कि जब कोई डाउनलोडिंग फेल हो जाते हैं ना, यानी इंटरप्टेड है, इंटरप्ट मतलब करना कि उसको रोक देता है, ये इंटरप्ट कर देता है। इफ एनी डाउनलोड फेल्ड, अगर कोई डाउनलोड फेल हो जाती है तो इसमें वो रिज्यूम नहीं होती है, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स देखो, ये एक फॉक्स बनाई हुई है ना, मोज़िला फायरफॉक्स एक फायर की तरह आग की तरह चल रही है, तो इसका ये लोगो है, इसका आइकन बना, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्राउज़र की। नेक्स्ट ब्राउज़र है ओपेरा। ओपेरा इज ऑल्सो अ स्मॉल फास्ट एंड सिक्योर वेब ब्राउज़र प्रोग्राम। ओपेरा भी एक छोटा सा फास्ट है और सिक्योर है, सेफ है, सुरक्षित वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है। ओपेरा कंपनी इज लोकेटेड एट ओस्लो नॉर्वे। अब ये जो ओपेरा कंपनी है ये लोकेटेड है कहाँ पे? ओस्लो नॉर्वे, नॉर्वे देश है, वहाँ पे लोकेटेड है ये कंपनी, ठीक है। ओस्लो उसने बनाया इसको ओपेरा को। अब इसकी जो एडवांटेज है, फास्ट वेब ब्राउजर, ओपेरा इज ए फास्ट वेब ब्राउजर दैट लोड वेब पेजेस वेरी क्विकली। इसकी भी ये एडवांटेज जो है सेम ही है कि ओपेरा भी एक फास्ट वेब ब्राउजर है जो वेब पेजेस को लोड करता है बहुत ही तेजी के साथ। ईजी टू यूज, ओपेरा इज ए सिंपल वेब ब्राउजर दैट इज वेरी ईजी टू यूज। ओपेरा भी एक साधारण सा वेब ब्राउजर है जो इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। फास्ट डाउनलोडिंग, इट प्रोवाइड फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड। अब देखो ये भी फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसमें हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी मेन एडवांटेज है। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, कंपैटिबिलिटी। अब देखो इसमें भी अनुकूलता का वही प्रॉब्लम आ गई इसमें, कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस वेब ब्राउजर इज दैट इट डज नॉट ओपन प्रॉपरली मैनी वेबसाइट्स। ये जो है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस वेब ब्राउजर की भी, कि ये भी बहुत सारी वेबसाइट को प्रॉपरली ओपन नहीं कर पाता है, बहुत सारे वेब पेजेस, बहुत सारे पेजेस को मिस कर देता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें लॉस्ट हो जाती है। नो एड ऑन्स, ये नो एड ऑन्स वही चीज़ है जैसे हम क्रोम के अंदर क्या था कि वहाँ पे हम एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगा सकते हैं, तो उसके अंदर एड ऑन वाली सपोर्ट नहीं है, ठीक है। कुछ एक इसमें फीचर्स अच्छी हैं जैसे फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड है, पर क्रोम सारी की सारी फीचर्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो इन सारे ब्राउज़र्स की अपेक्षा सबसे बड़ी है। तो आज के लिए हमारे कॉन्सेप्ट जो थे वो इतने ही काफ़ी थे। कल हम फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिंद।